चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं ई का लेक्चर 4। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो फॉर्मूलों पर डिस्कशन किया था। एक तो ये रहा क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा और एक था क्यू इक्वल्स टू एम एल। जब बी क्वेश्चन में सिर्फ ताप परिवर्तन देखे, ओनली टेम्परेचर चेंज देखे, तो ये लगाइए। स्टेट चेंज देखिए, अवस्था परिवर्तन देखिए, तो ये लगाइए। व्हेनेवर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज ना देखिए, तो Q इक्वल टू ML। ये दो फॉर्मूले हैं और इनसे देखना भी कैसे कैसे कंफ्यूज जाएंगे। और जब दोनों ही चीजें दिख रही है, सब कुछ हो रहा है, तो क्या दोनों फॉर्मूले लगेंगे? एक बार नहीं, कई बार लगेंगे। ठीक है, तो कैसे इनको यूज करते हैं, आइए वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं अपने पास। जब भी टेम्परेचर चेंज दिखेगा ये वाला फॉर्मूला, जब स्टेट चेंज दिखेगा क्यू इक्वल्स टू एमएल वाला फॉर्मूला, राइट। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिएगा, -10 डिग्री सेल्सियस पर स्थित दस ग्राम बर्फ Find out the heat required to convert 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस -10 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 10 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वेपर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस वेपर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। ट्राई करिए थोड़ा सा इसको, कैसे करेंगे। आंसर किसका आ गया, कितना आया? कर दो कितना, 725, 825, 7200। ओके, कैलोरी। चलिए तो कई लोगों ने सॉल्व किया है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए क्या हो रहा है, आइस कन्वर्ट हो रही है वेपर में। तो क्या आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाती है क्या? नहीं होती है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम स्टेप चेकेंगे क्या होता है। सो -10 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, बर्फ है, वो मेल्ट होगी, काहे में बदलेगी है जी? पानी बदल जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। पक्का 0 डिग्री सेल्सियस के आइस में ऐसा होगा? ऐसा हो जाएगा? पक्का? फिर 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ जो है, आइस जो है,
फिर 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, फिर 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर यानी पानी, वाटर को पानी कहते हैं, पता है आपको? जिनको पता नहीं होने वाले कैसा जल्दी भी हमें क्या पता वाटर मतलब क्या होता है कि नहीं? वास मतलब वेपर, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यही करना है अपने को अल्टीमेटली, ये कन्वर्ट करना है इसमें। डायरेक्टली तो ऐसा होगा नहीं कि सीधा अपन ने हीट दी और पानी भाप बन के उड़ गया, मतलब बर्फ जो है भाप बन के उड़ गई, ऐसा तो होने नहीं वाला। जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हीट आइस जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, तो पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा। आइस का टेम्परेचर बढ़ते देखो कितना आ गया, -10 से नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गया, तो 0 पे आ गया। अब फिर क्या होगा, और हीट देंगे तो क्या होगा, अब आइस मेल्ट होगी, पिघलेगी। पहले क्या हुआ, आइस ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, पहले जो हीट दी गई इससे टेम्परेचर बढ़ा, फिर क्या हुआ, आइस जो है मेल्ट हुई धीरे धीरे, फिर वाटर में जैसे कन्वर्ट हुई पानी में जैसे बदल गई, तो क्या हो गया, पानी जो है पानी का ताप बढ़ेगा धीरे धीरे, कहाँ तक पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फिर 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर को और गर्म किया, पानी को और गर्म किया, तो क्या हो गया, वो वाष्प में यानी भाप में बदल गया, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही क्वेश्चन है, अगर ये आ गया तो सारे क्वेश्चन आ गए, फिर कुछ भी नहीं है, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस ये चीज समझ में आ जाए। ये कितनों को समझ में नहीं आई, ये वाला प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चलता है। अभी अपन दूसरे तरीके से इंप्रूव करेंगे इसको। फिर क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट को कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, फिर टेम्परेचर चेंज हो गया, डेल्टा थीटा वाला फॉर्मूला, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट, एमएल वाला फॉर्मूला। मतलब अगर आप सही जा रहे हैं तो ध्यान रखना फॉर्मूले अल्टरनेट वे में लगेंगे, एक बार ये तो दूसरी बार ये लगेगा 100%, कभी इसके बाद डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसके बाद ये ही लगेगा, स्टेट चेंज होगी, क्योंकि एक बार टेम्परेचर चेंज होगा फिर स्टेट चेंज होगी, फिर टेम्परेचर चेंज फिर स्टेट चेंज, इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है, डायरेक्टली कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो अल्टरनेट वे में फॉर्मूले लगेंगे, एकांतर प्रमेय वाले फॉर्मूले लगेंगे, चारों फॉर्मूले, ठीक है ना, पहले ये फिर ये फिर दोबारा वही, तीसरे चौथी बार भी वही फॉर्मूला लगेगा अल्टरनेट वे में, एक बार एम एस डेल्टा थीटा, एक बार एम एल, एक बार एम एस डेल्टा थीटा, फिर एम एल, ये कंटिन्यूस इस तरीके से ही लगेंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया, इससे आप समझ सकते हैं, अगर आपके डायरेक्टली दो बार ये फॉर्मूला लिखा हो जाए लगातार दो स्टेप में, लगातार ये फॉर्मूला या फिर ये लगातार दो बार ये फॉर्मूला लिखा हो जाए, समझ जाना गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। हमेशा ये जो स्टेट चेंज होती है और टेम्परेचर चेंज होता है, ये अल्टरनेट वे में होते हैं, टेम्परेचर चेंज फिर स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज फिर स्टेट चेंज, ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए तो Q1 देखते हैं, Q1 एक क्वेश्चन, कितना है 10 ग्राम S बर्फ की, क्या चाहिए यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट का ध्यान रखना, देखो मैं यूनिट रखना बताता हूँ, अगर आपको यूनिट समझ में नहीं आती सर आंसर में फाइनली यूनिट क्या लिखनी है, तो वो भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। अभी क्या था ये 10 ग्राम, फिर 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा थीटा 0 -10 इक्वल टू 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस बचा, माइनस कर दिया अपने 0 में से 10 को माइनस कर दिया, कितना बचा 10 बचा। यूनिट का अर्थ देखो, ग्राम से ग्राम गए, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस गए, ये पॉइंट से ये जीरो गई, ठीक है, कितना हो गया
50 यूनिट क्या बची सब में से मिला के कैलोरी, तो ऐसे आपकी यूनिट आ जाएगी। कभी भी आपको क्वेश्चन में यूनिट का कंफ्यूजन है ना, तो देख लीजिए आप, अगर यहाँ पे किलोग्राम रखा होगा तो किलोग्राम से ग्राम नहीं कटेंगे, काटने तो हजार लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो वो चीजों के चेंज जो आते हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगे अगर इस तरीके से वैल्यू रखेंगे। तो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, Q2 क्या है, ML 10 × 10 ग्राम है, ये होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम ग्राम फिर से कैंसिल, कितना आ गया 800 कैलोरी, राइट। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, फिर से एमएस डेल्टा थीटा आ गया, Q3 एमएस डेल्टा थीटा, एम एस कितनी होती है, है जी पानी की विशिष्ट सूक्ष्म कितनी होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा थीटा 100 माइनस 0 इक्वल टू 100 इक्वल टू वही 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी। चलिए अगला स्टेप, क्यू इक्वल टू एम एल, एम है 10 इंटू 0.40 ले लो, कितना हो गया 5400 कैलोरी। तो ये चारों वैल्यूज आ गई। अब क्या करेंगे, क्यू टोटल निकालना है, हमको क्या पूछा था, इससे इसको कन्वर्ट करना था, यहां से यहां तक आना था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सारी चीजें ऐड कर दो, 50 + 800 + 1000 + 5400 कितना आ गया 7250। पक्का ना कैलकुलेशन से किया है, हमसे बड़ी तो पता है। तो ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन इतने कि इसमें सारे क्वेश्चन आ गए, यहाँ से यहाँ तक का पूछ लो, यहाँ से यहाँ का पूछ लो, यहाँ से यहाँ का पूछ लो, यहाँ से यहाँ का पूछ लो, अलग अलग स्टेप में करेंगे। तो ये चार पांच पर क्या मतलब, जितने चार उतने क्वेश्चन बना दो इसमें आप, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखिएगा एक लोहे के गुटके का ताप, एक लोहे के गुटके का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ an iron block from 10 degree celsius to 90 degree celsius एक लोहे के गुटके का ताप 10 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। नीचे लिखिएगा, दिया गया है, गिवन दैट मास ऑफ आयरन ब्लॉक इज 50 ग्राम्स, लोहे के गुटके का द्रव्यमान 50 ग्राम, जबकि गिवन दैट
mass of iron block is 50 grams and specific heat is 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है एंड स्पेसिफिक हीट इज 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जी 400 कितना है 400 क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा। आयरन ब्लॉक है मेल्ट तो किया नहीं है यानी चेंज इन स्टेट तो हुआ नहीं है इसका तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है डायरेक्ट क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा थीटा 50 ग्राम्स एस है 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इनटू डेल्टा थीटा 90 माइनस 10 डेल्टा थीटा रखेंगे ऐसे भाई हम लिखते हैं डेल्टा थीटा को बोलते हैं तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं अंतर बोलते हैं अंतर में क्या देखते हैं ज्यादा में से कम को घटाते हैं ठीक है ना जब भी डिफरेंस देखेंगे तो जो क्वांटिटी ज्यादा वाली है उसमें से कम वाली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे पॉइंट हटाया जीरो हटाया 5 × 80 बराबर 400 कैलोरी। क्लियर है आ गया सबका नोट कर लिया सबने जल्दी करो आपको पता है दिख रहा है डायरेक्टली कि टेम्परेचर चेंज दिख रहा है स्टेट चेंज हुआ नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन मान लीजिए बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में तो क्या हो जाएगा बर्फ से पानी में चेंज हो रहा है टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है क्या होगा इसमें अकेला एमएस डेल्टा थीटा से काम नहीं चलेगा कई लोग कहते हैं दिल्ली में डेल्टा थीटा 80 हो गया एमएस डेल्टा थीटा लगा दो पानी वाला था पानी की स्पेसिफिक जरूरत काम हो गया क्वेश्चन नहीं गलत हो जाता है ठीक है स्टेप मैंने चार बताई है पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बड़ा है और उसको बड़े आराम से समझाने की कोशिश की है मैंने तो उसको आप समझिएगा अच्छे से वही है बस वो समझ में आ गया बाकी सब तो छोटे मोटे क्वेश्चन है राइट लिखिए इन द अबव क्वेश्चन उपरोक्त प्रश्न में इन द अबव क्वेश्चन उपरोक्त प्रश्न में लोहे के गुटके की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए इन द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। उपरोक्त प्रश्न में लोहे के गुटके की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिए इन द अबव क्वेश्चन फाइंड आउट द हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। आप लिखने नहीं है क्यों एबीसी से मतलब कि वो एग्रीकल्चर बंडू थी उसमें भी चैप्टर आता है तो लिख लेंगे तो अपने को क्या है प्रैक्टिस ही पढ़ना पड़ेगा बाद में ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा बैठ जाइए ऐसा नहीं पढ़ना नहीं पड़ेगा वहाँ पे भी आएगा हीट चैप्टर वहाँ पर भी है और ये क्वेश्चन आते हैं और इससे भी टफ क्वेश्चन आते हैं तो क्या लिखते रहेंगे तो अपने को क्या प्रैक्टिस होती रहेगी थोड़ी सी तो आई थी कल तो पढ़नी है ठीक है थोड़ा सा लिखते रहो अच्छा रहेगा। क्या है हीट कैपेसिटी हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू एम एस इससे निकाल दो एम कितना था 50 ग्राम ये हो गया 0.1 पॉइंट जीरो कितना आ गया 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ ग्राम रखिए यहाँ 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ग्राम से ग्राम गया कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बचा ठीक है जो मैंने पूछा था क्वेश्चन सबसे पहले आपके हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या है तो लोग बात तरह तरह की जो है अफवाहें उड़ा रहे थे हीट कैपेसिटी के बारे में पता नहीं क्या क्या आंसर बोल रहे थे ठीक है ना तो वो ये है दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं हीट कैपेसिटी क्यू अपॉन डेल्टा थीटा से भी निकाल सकते हैं
क्यों हमारे पास है 400 डिवाइडेड बाय डेल्टा थीटा 90 माइनस 10 480 जीरो से जीरो गया आठ से पांच बार गया तो 5 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस राइट। तो दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को इसमें हीट कैपेसिटी पूछा है उसका फॉर्मूला याद रखो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 20 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 20 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के फाइंड आउट द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू 0 डिग्री सेल्सियस पर से 20 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए या रूपांतरित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस कितना 1300 यूनिट कैलोरी। देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ इसमें जा रही है 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। कितनी स्टेट चेंज हो रही है यहां पर? वहां देखा था हमने 3 स्टेट चेंज हो रही थी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में। पहला क्वेश्चन याद कीजिए, ठोस से द्रव में बदला, द्रव से गैस में बदला था, वाष्प में बदले थे ना, वाष्प क्या है, एक तरह की गैस। तो यहां पर देखिए जरा, आइस से सीधा वाटर, एक स्टेट चेंज हो रही है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, मतलब दो फॉर्मूले तो लगेंगे, टेम्परेचर चेंज वाला और एक स्टेट चेंज वाला, ठीक है। अब वो कुछ समझ में नहीं आता, आगे पीछे लगा दो तो दो ही लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ ठीक है, एक बार डेल्टा थीटा लगा देते हैं, एक बार एंगल लगा देंगे, आंख बंद करके तो कम आते तो भी सही हो जाएगा। कैसे? एक तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एक इसका लिख दिया, ठीक है, और एक क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज है, अवस्था परिवर्तन हो रही है, टेम्परेचर चेंज है, दो ही चीज दिख रही है इसमें, और कोई दिख नहीं रहा, एक ही स्टेट चेंज हो रही है और एक ही टेम्परेचर चेंज है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक इधर फॉर्मूला लगा दो, एक इधर फॉर्मूला लगा दो, बस हो गया काम। तो पहले वो लिखो जो अपने को लाना है, फाइनली क्या कन्वर्ट करना है उसको लिख लो। अगर दो स्टेप वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, सिंगल स्टेप में भी ऐसा हो जाएगा, सिंगल स्टेप लिख लो। अगर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर था, उसको 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना होता, तो वाटर वाटर स्टेट चेंज है ही नहीं, इसको हटा देते, सब ये रह जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसमें अब जरूरी नहीं कि पहले कौन सा लगाएं, बाद में कौन सा लगाएं, अल्टीमेटली दोनों लगाने हैं, दोनों लगा के ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है, इतना सोचने वाली बात नहीं, बस क्या करना है, समझना है चीज को कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस पर क्या होगी, काय में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर 80 डिग्री सेल्सियस के वाटर में
स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन, ताप परिवर्तन, लगा दो दोनों फॉर्मूले Q1 equals to ML और Q2 equals to ML डेल्टा थीटा। ML लगाया, कितना था 20 ग्राम ऑफ आइस into 80 equals to 1600 कैलोरी एंड हियर 21 डेल्टा थीटा, ये कितना आ गया 20 इंटू 80, ये भी 1600 आ गया। Q टोटल कितना चाहिए, Q टोटल इक्वल टू Q1 प्लस Q2, 1600 प्लस 1600 इक्वल टू 3200 कैलोरी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वो सिंपल क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, एक बेसिक लेवल हो गया, अगर ये क्लियर हो जाए तो अपन आगे बढ़े। क्लियर है सबको? कोई ऐसे हो दुष्ट प्राणी जो बता नहीं रहे हैं वो भी अभी बता सकते हैं, आखिरी मौका है कि सर नहीं आया समझ में, तो उनको अच्छे से समझा लेंगे। ठीक है, बाय हुक एंड बाय क्रूक समझा तो देंगे। हाँ क्लियर है ये वाला, क्योंकि इसका तो हम बड़े लेवल पर जा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा मीडियम लेवल, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, अभी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा, लिखते जाओ बस इसमें, तो टेम्परेचर चेंज स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज स्टेट चेंज, बस लिखते जाओ और सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया इतना सा है। और जो दो स्टेप वाले क्वेश्चन में बताई दिए मैंने डायरेक्टली, आप देख सकते हैं कि कितनी स्टेट बदल रही हैं, ज़्यादा बार स्टेप बदल रहे स्टेट बदलेगी तो क्या होगा, उतने स्टेप, जैसे स्टेट एक बदल रही है दो स्टेप हो गए, वहाँ पर तीन स्टेप बदल रही थी स्टेट, कौन कौन सी रही थी स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस, तो चार स्टेप का क्वेश्चन हो गया था। ठीक है ना, चार स्टेप में करना था हमको, यहाँ पर दो स्टेप में, यानी एक स्टेट चेंज होने पर दो फॉर्मूले लगेंगे, यानी दो बार दो स्टेप जाएंगे इसकी, एक अवस्था परिवर्तन में दो स्टेप, दो अवस्था परिवर्तन में तीन स्टेप, तीन में चार स्टेप, ऐसे बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं आपको याद करने के लिए कि हाँ क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, कितनी स्टेप थी कितनी स्टेट थी, अरे इसमें तो दो स्टेप हैं, दो मतलब दो स्टेट हैं, दो अवस्था परिवर्तन हो रहे हैं, मतलब कम से कम तीन स्टेप में होगा कम से कम, हमने अधूरा किया क्वेश्चन, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, तो प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखिएगा सेल्सियस पर स्थित 400 ग्राम पानी में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित 400 ग्राम पानी में 0 डिग्री सेल्सियस की 10 ग्राम बर्फ डाल दी जाए, इफ 10 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड इन 400 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन Find out the temperature of mixture.
तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए. Then find out the temperature of mixture. तो मिश्रण का ताप ज्ञात कीजिए. एक काम करें, 10 ग्राम की जगह इसको कितना कर दें? 10 रेड ने. ठीक है सर, 10 से कर लो, कोई इशू नहीं. थोड़ा कैलकुलेशन कर दो, हो सकती थोड़ी बहुत, बाकी कुछ नहीं होगा. अपन थोड़े आइडियल कैलकुलेशन की तरफ जा रहे थे. तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, जब भी मिश्रण का ताप ज्ञात करना हो, टेम्परेचर मिक्सचर देखना हो, तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये देखो कि ऊष्मा कितनी है पानी के पास. तो पानी का टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. मिला किसको रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को. ठीक है, तो हमारे पास Q वाटर, पानी के पास ऊष्मा कितनी है वो देख लेते हैं. एमएस डेल्टा थीटा, 400 ग्राम पानी है, विशिष्ट ऊष्मा एक इंटू 100 माइनस 0 कितना हो गया? 400 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 40,000 कैलोरी. इतनी कैलोरी हमारे पास ऊष्मा है पानी के पास. और बर्फ को पिघलने के लिए कितनी चाहिए? क्यू आइस और मेल्टिंग. बर्फ को पिघलने के लिए कितनी चाहिए वो देख लेते, क्योंकि ये ऊष्मा कहाँ जाएगी? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. क्लियर है? तो ये आइस को मिलेगी, तो आइस को कितनी चाहिए मेल्ट होने के लिए? क्योंकि बाकी जो होगी एक बार मेल्ट हो जाएगी, इसका क्या होगा फिर? उसका आइस का पानी में बदल गई, बर्फ पानी बदल जाएगी मेल्ट होके पिघल के, तो फिर क्या हो जाएगा? अब पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर वो एक टेम्परेचर आके स्टेबल हो जाएगा, तब हीट का आदान प्रदान पूरा हो जाएगा. तब तो क्यू आइस इक्वल्स हो जाएगा एमएल, राइट? 10 ग्राम बर्फ है इंटू 80, तो कितनी हो गई? 800 कैलोरी. 800 कैलोरी किसको चाहिए? बर्फ को चाहिए पिघलने के लिए. 800 है ना, तो 800 कैलोरी बर्फ को चाहिए पिघलने के लिए. पानी के पास कितनी है? 40,000 कैलोरी. ठीक है, तो देखते चलिए. क्यू रिमेनिंग, क्यू शेष, रिमेनिंग मतलब शेष, कितनी बची वो देखते हैं. तो 40,000 माइनस 800 कितनी बची? 39,200. कैलोरी हमारी ऊष्मा बच गई. अब ये ऊष्मा क्या करेगी? ये भी पानी और ये भी पानी, सब पानी पानी हो गया है कि नहीं? अब पानी पानी हो तो क्या होगा? पानी का ताप बढ़ाएगी, है कि नहीं? कायदे से पानी का ताप 100 डिग्री, मिश्रण का ताप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जा सकता, इससे कम नहीं हो सकता. ठीक है ना, इनके बीच में कहीं आएगा, आएगा तो चलिए टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, मिश्रण का ताप निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला. हालांकि हम लगा सकते थे क्यू इक्वल्स टू एमएस डेल्टा थीटा से हम तापमान में परिवर्तन निकाल सकते थे, उससे अपने को पता चल जाता, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. Q mix equals to Q remaining upon total mass. ये फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्टली, अपने पास सब कुछ है, बस अपने को क्या रखना है? वैल्यू रखना है. मिश्रण का तापमान बराबर Q remaining upon total mass, शेष बची ऊष्मा बटा कुल द्रव्यमान पानी का, जो भी है मिश्रण का कुल द्रव्यमान कितना हो गया. ठीक है, तो उससे टी मिक्स निकल आएगा. तो मिश्रण का ताप देखें तो क्यू शेष कितना है? 39,200 बटा 400 ये था और 10 ग्राम ये भी पानी बदल गया, तो 400 प्लस 10 तो 39,200 अपॉन 410. 0 से 0 गया, लगभग ले लो 41 को 40 मान लो थोड़ा सा, तो ये ले लो 95.4.
नहीं 98 आ रहा है, पक्का 95 पॉइंट कुछ कुछ डिग्री सेल्सियस, कुछ कुछ ले लो वो आप सॉल्व कर देना, कुछ कुछ में क्या है कि नहीं। हाँ फिजिक्स में कुछ कुछ का बड़ा योगदान है, ध्यान रखना। अपन को 40 मान के सॉल्व कर दिया यहाँ से, तो एक और जीरो डाल दिया, अगर आई ज्यादा होती 95 कहां से आएगा? अरे एक सेट का पड़ जाएगा, पड़ रहा है मोबाइल से, तो कह देख लिया कितना 95 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, इतना फर्क 40 से। तो देख लेना एग्जैक्टली सॉल्व करने में कितना आया, देख ना मोबाइल में क्या रखा है, 392 है ये, 392 312 नहीं है, 392 है, ठीक है, हाँ 392 है ये, तुम्हें क्या 312 रख दिया, इसलिए आ रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा परिवर्तन हो गया। चलो देख लेना कैलकुलेट करके देखना आएगा, लेकिन 100 से कम, ठीक है, तो जो भी एग्जैक्ट आएगा वो आंसर आप रख देना, ध्यान रखना। अगर हमको और ठंडा करना है पानी को तो बर्फ और मिलानी पड़ेगी, ठीक है नहीं, बर्फ पानी गर्म होता है, गर्मी में क्या करते हैं उसमें आइस मिला देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी का धीरे धीरे ठंडा करना, उसको क्या करते हैं हम लोग आइस में 10 ग्राम आइस मिलाने पर टेम्परेचर में जरा सा चेंज आया, 100 ग्राम मिलाकर देख लो, 200 ग्राम मिलाकर देखो क्या स्थिति हो रही है। तो जब तक ये हमारे पास ये वाली हीट है तब तक तो चेंज होगा टेम्परेचर, अगर क्यू रिमेनिंग ही नहीं बची, क्यू रिमेनिंग जीरो, तो टेम्परेचर मिक्सचर आइस बनाने पर जीरो ही आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास पानी के पास जो ऊष्मा थी वो इतनी नहीं है कि पूरी बर्फ को पिघला सके, तो पानी का ताप जो मिश्रण का ताप कितना हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ने आज जो पढ़ा उस समझ में आया, बहुत छोटी सी चीज पढ़ी है, छोटे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कल इन पर थोड़े और घुमे हुए क्वेश्चन देखेंगे जो लैंग्वेज के साथ आते हैं, अच्छी घुमी हुई लैंग्वेज के साथ उनको डिस्कस करेंगे, तो क्या हो जाएगा इधर का थर्मोमेट्रिक कैलोरीमेट्रिक का मोस्ट ऑफ ऑल पार्ट हो जाएगा आपका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए आज के इतना ही, जय हिंद।